नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। बात करते हैं आज हम एक बार वर्ड्स को रिपीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो पहला पहला वर्ड है अपना अमेज 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 अमेज। पहला वर्ड ये है अपना अमेज अमेज अमेज। अब देखो यहाँ से बात करते हैं अमेज यानी अमेज गाड़ी होंडा की जो है उसको देखकर आश्चर्यचकित या एस्टोनिश होना। सेकेंड वर्ड है अगोग अगोग अगोग, उत्सुक या एक्साइटेड ईगर। अटोन यानी प्रेषित करना। एवराइस लालच ग्रेड। चोटल खुशी की मुस्कान गीगल। मैस्टिकेट चबाना या चू करना। चबाना या चू करना। नेक्स्ट वर्ड है अपना सीडेट सीडेट सीडेट, शांत या रिलैक्स पीसफुल। सबेटिकल सब बातें कल करेंगे। असेसिनेट राजनीतिक हत्या पॉलिटिकल मर्डर। इंडोलेंट लेजी या स्लोथ। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं स्कैम्पर स्कैम्पर स्कैम्पर, स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ। स्कैम करो और स्कैम्पर, तेजी से दौड़ जाना स्कटल। इनवेंडो इनवेंडो इनवेंडो, हिंट इंसिनुएशन। कैशनोवा कैशनोवा कैशनोवा, आशिक पैरामोर। कैश और इनोवा है तो बहुत आशिक होंगी। बोल सिस्टर बोल, बोल सिस्टर यानी बीफ अप मजबूत करना। स्टारवार्ट 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 यानी स्ट्रॉन्ग करना। स्टारवार्ट यानी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग करना। नेक्स्ट वर्ड है कंजक्चर कंजक्चर कंजक्चर, कंजक्शन पर कौन लेक्चर देगा इसका अनुमानी अटकल लगाना मुश्किल है। सरमाइज इम्प्रोवाइज यानी एक्सटेम्पोराइज, इम्प्रोवाइज यानी एक्सटेम्पोराइज। नेक्स्ट वर्ड है इनसीडियस, इनसीडी में घातक या हानिप्रद लोगों की कहानियां हैं। जुबिलेंट जुबिलेंट जुबिलेंट, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो जुबिलेंट होते हैं। लुक्रेटिव यानी प्रॉफिटेबल फायदेमंद। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे हमें सिनोनिम्स ज्ञात करने हैं। अब देखो सिनोनिम्स पे चलेंगे, फुल एचडी में देखना ताकि बातें एकदम क्लियर हो। सिनोनिम्स में अगर बात करें अमेज, तो अमेज का पहले का जो वर्ड होगा वो होगा एस्टोनिश। अमेज का क्या होगा, एस्टोनिश। आप अमेज को एस्टोनिश इसे मिला सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इनवेंडो, इनवेंडो का मतलब होगा हिंट देना किसी को, और हिंट एक इंसिन्युएशन भी होता है। इनवेंडो इंसिन्युएशन करना, हिंट देना, ठीक है, इंसिन्युएशन इशारा करना, हिंट देना। दूसरे का जी हो गया अगोग अगोग अगोग, एजी ओजी करने वाले लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड एक्साइटेड होते हैं। तो तीसरे का क्या हो गया अपने पास, एक्साइटेड। फिर कैशनोवा, कैशनोवा का हो गया कैश और इनोवा है तो लोग आशिक होंगे आपके पैरामोर। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चोटल चोरी टल गई तो गांव में खुशी की मुस्कान है, तो इसका मतलब गीगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेस्टिकेट चबाना, तो चू हो जाएगा। मेस्टिकेट का क्या होगा, चू। और सिडेट रिलैक्स होना, सिडेट यानी एकदम शांत तरीके से सिडेट होगा, तो सिडेट जो वर्ड होगा अपना सिडेट 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 सिडेट, सिडेट वर्ड का जो मीनिंग होगा वो अनहरिड होगा, एकदम शांति के तरीके से। सबेटिकल सब बातें कल करेंगे, तो सबेटिकल होगा स्टडी लीव। और एवराइस यानी ग्रेट, एवराइस यानी क्या होगा, ग्रेट। ये वर्ड आपके हो चुके हैं, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ एक्सपिएट एक्स्ट्रापिएट, आश्चर्यचकित, मतलब इसमें ये होगा अटोन, अटोन का क्या होगा, आश्चर्य एक्सपिएट, अटोन 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 एक्सपिएट एक्स्ट्रापिएट कम करना, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास असैसिनेट 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 असैसिनेट। देखो असैसिनेट यानी पॉलिटिकल मर्डर, असैसिनेट यानी क्या हो गया, पॉलिटिकल मर्डर, मतलब आप इसमें कह सकते हैं मसाकरे। असैसिनेट यानी क्या होगा, मसाकरे, मसाकरे यानी जनसंहार करना। ये डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इंडोलेंट यानी लेजी या सुस्त, एकदम इंडोलेंट लेजी या सुस्त, स्लगिश भी कह सकते हैं अपन, बी ऑप्शन में जी हो जाएगा। और नेक्स्ट नीचे आपको आंसर की दिख भी रही होगी, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। स्कैम्पर होगा स्टकटल, सी ऑप्शन आपका होगा। लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल, और जुबिलेंट होगा, जो ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, परमानंद की प्राप्ति, तो जुबिलेंट होगा इस एक एस्टेटिक। नेक्स्ट वर्ड होगा स्केंटी, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, स्केंटी 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 है 16 नंबर, और 16 में भी मी अगर यानी कम होना, कोई चीज किसी भी चीज की कमी होना। स्टालवार्ट स्ट्रोंग हो जाएगा। कंजक्चर अनुमान लगाना सरमाइज करना, और इम्प्रोवाइज यानी एक्सटेम्पोराइज, और इंसीडियस इंसीडी में क्रेफ्ट या हानिकारक लोग, क्लियर। अब देखो ये दो सेट हमारे होते हैं, ये तो सिनोनिम, ये भी 10 सिनोनिम, ये 10 सिनोनिम। अब ये 10 आते हैं एंटोनिम, इनमें भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि ये वर्ड एंटोनिम वाले हमने पढ़े नहीं होते हैं और इन्हें हमें कवर करना पड़ता है। तो पहला है इनवेंडो, 21 नंबर है इनवेंडो, इनू को आने दो। तो इस चीज का क्या किया, हिंट दिया। अगर अपोजिट जाएंगे, हिंट नहीं दे कोई आदमी इनवेंडो, तो इसका आंसर होगा हमारा एविडेंस, कोई प्रमाण ना देना। एविडेंस यानी कोई प्रमाण
एविडेंस यानी प्रमाण देना, इनुएंडो यानी हिंट देना, ठीक है, इनमें को आने दो, हिंट दिया, एविडेंस हिंट के बारे में प्रमाण देना। इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी सुस्त हो गया, 22वें में इंडोलेंट यानी क्या हो गया, सुस्त, और सुस्त का उल्टा क्या होगा, डोडल, डोडल डोडल डोडल। इनसीडियस, इनसीडियस यानी इनसीडी में क्रेफ्टी, क्राफ्टी जो वो धूर्त लोग होते हैं उनकी हानिप्रद कहानियां हैं, हानिप्रद कहानियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नेव यानी सीधा साधा, उसमें तो धूर्त हो गया, और इनसीडियस यानी धूर्त, कपटी और क्राफ्टी, और यहाँ नेव यानी सीधा साधा। एक देखो KNAIVE, AIVE ये नेव होता है, इसका मतलब होता है धूर्त या कपटी, नेवले की तरह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जुबिलेंट, जुबिलेंट यानी खुश होना, जुबिलेंट यानी जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो खुश प्रफुल्लित परमानंद में होते हैं हमेशा, और परमानंद का यहाँ होगा मेलनकोलिक, मेलनकोलिक, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टालवार्ट, स्टालवार्ट 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 वर्ड की अगर अपन बात करें तो स्टालवार्ट यानी होगा स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग का उल्टा हो जाएगा वीक, सी आपका ऑप्शन आंसर सही होगा। नेक्स्ट है बोलस्टर, बोलस्टर बोलस्टर बोल सिस्टर बोल, इसके लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, बीफ अप कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो बोलस्टर 26वें में जो अपना आंसर होगा वो डी होगा, अंडरमाइन, अंडरमाइन करना। नेक्स्ट वर्ड है मजबूत करना, और एक अंडरमाइन कमजोर करना, मैं यहाँ सिनोनिम नहीं बता रहा, मैं एंटोनिम बता रहा हूँ, उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। और स्कैम्पर, स्कैम्पर यानी दौड़ जाना, भाग जाना, तो 27 नंबर में जो एफ आंसर होगा आपका, और 27 में एफ का मतलब क्या हुआ आपका, डोडल 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 डोडल, क्लियर। अब देखो यहाँ नेक्स्ट वर्ड है आपका अमेज, अमेज अमेज यानी आश्चर्यचकित होना, तो आश्चर्यचकित नहीं हो तो एक्सपेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट वर्ड है सीडेट, रिलैक्स होना, शांत होना, तो एज एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होना। इम्प्रोवाइज यानी एक्सटेम्पोराइज, कोई भी चीज वाइज लोग तुरंत कर लेते हैं, तो इसका वर्ड होगा क्या होगा, प्रेमिडिटेट, प्रेमिडिटेट, ठीक है, प्रेमिडिटेट ये आ गया पहला वर्ड है। तो यहाँ से अपन ये एंटोनिम एक बार दोबारा ध्यान से देख लेना, आंसर की दी हुई है आपकी, और यहाँ ये सारे वर्ड हम कंप्लीट करते हैं, सारे वर्ड को आप ध्यान से देख लेना एक बार। 20 और 20 40 दो सेट हमारे हो चुके हैं, अगले सेट अपन और भी इनसे बेहतरीन तरीके के लाएंगे। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो एचडी में करके देखें, आपको बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सारे काम कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।